सुबह सुबह का टाइम है, आप मुझे देख सकते हैं मैं पूरी जैकेट में पैक होके आई हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है, देखें कितनी तेज हवा चल रही है। इसको देखें, इस पागल को, कल रो रहा था ये और अभी क्या कर रहा है, अभी हंस रहा है। तो अभी मैंने देखा यहाँ पे आई तो क्या ना, मैं देखा ये मोर का ये जो था ना, ये जो चादर है मोर की, मैं बहुत उड़ रही हूँ। मोर ने अपने मतलब पूरे पंख में मतलब पूरा फूल के बैठे हुए थे पूरे। मैंने फिर ये जो तार जो है ना, ये मैंने 1 2 3 बांध दिया है। मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो भी बना लेते हैं हम, और फिर क्या नाम है भैया उठेगा तो भी हम भैया को दिखा भी देंगे कितनी तेज़ हवा चल रही है। और ये पागल की मम्मा ने इसको बोला भी है कि क्या नाम है अंदर जाके बैठो, बहुत तेज़ हवा चल रही है, तुम भी जाओ। आओ मैं तो अभी मोर का ये बांध के मैं जा रही हूँ घर। भाई बहुत ही बुरे हालात हैं यार, ये देखें आप चारों साइडों से हवा आ रही है। ये तो शुक्र है कि ये वाली साइड हमारी कवर है ना, और यहाँ की भी चादर उतर गई है। ये देखें आप, ये सारा कचरा देखें, ये हवा से जमा हो गया, इकट्ठा हो गया। पूरा सेटअप देखें, सारे का सारा इकट्ठा हो गया यहाँ पर आ गया, इतनी हवा है यार। और यहाँ ओए ये अंदर कैसे घुस गई, आज बाहर नहीं आना, आज बाहर नहीं आना, नहीं आना, नहीं बाहर नहीं आना। इनकी भी चादर जो है वो नीचे आ चुकी है, और यहाँ पे देखें हवा आई हुई। ओए हमारा टोटो भी बाहर आया हुआ, ये देखें हमारे टोटो का आप पूछते हैं ना, ये इस केज के अंदर। और ये क्या है, है? ये क्या है, ये क्या है, ये तो टट्टी है। अच्छा जी, अच्छा यार अब मैं समझा। मैं पहले सोचता था कि हमारे सेटअप पे ऐसा लगता कुछ बिल्ली आके पॉटी करके जाती है, लेकिन अब पता चला कि टोटो ऐसी पॉटी करता है। यार इतना टाइम हो गया टोटो को हमारे पास, और हमें पता ही नहीं था कि टोटो ऐसी पोटी करता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मतलब जो है ना वो कछुआ ऐसी किस्म की पोटी करता है यार, सेम बिल्ली की तरह पोटी कर रहा है। मैं पहले समझता था हमारे सेटअप में कोई बिल्ली आके पोटी करके चली जाती है, या फिर हमारी बेला बिचारी पे ऐसे इल्जाम लगा रहा था, लेकिन आज वो क्लियर हो गया हमें कि भाई कछुआ ऐसी पोटी करता है। देखो कैसी कैसी क्या है, गंदा 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 टोटो, कितना गंदा आदमी है यार तू, इतनी गंदी पोटी करी हुई तूने। वैसे मैं भी पागल हूँ, पोटी वैसे अच्छी का होती है। खैर आज इनकी चादर वादर मैं दोबारा से डाल लूँ, क्योंकि चादर डाल के जो है ना मैं वापसी अंदर जा रहा हूँ। आज मेरी जो तबीयत है ना बिल्कुल भी सही नहीं है, और हवा आपके सामने इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है ना, तो आज किसी को भी खोलना फजूल है, बीमार हो जाएंगे। इसलिए आज मैं भी आराम कर रहा हूँ और मेरे पेट्स बर्ड्स भी आराम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह कल जो है ना नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे, तो कल इंशाल्लाह वीडियो हम बनाएंगे। ओके आज फाइनली धूप निकल आई है, आ हा 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 क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह यार। कल जो है ना ऐसी ठंडी, इतनी तेज़ हवाएं थी, और आज देखें मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया यार, बहुत ज़बरदस्त। इतना सुकून मिल रहा है ना धूप में खड़े हो गए, आंखें भले ही नहीं खुलनी लेकिन सुकून मिल रहा है यार बहुत। कल ठंड थी और आज भी ठंड है यार। और सेटअप को देखें, आपको मैं दिखाता हूँ कि कल क्या क्या नहीं करना पड़ा यार। इतनी हवा चल रही थी ना, ये हमारे पर्दे शर्दे ये सब फट गए। ये देखो ये 2 पर्दे हो गए हवा की वजह से, जो है ना पर्दों में बरकत आ गई है, तो ये 1 और ये दूसरा 2, तो ये पूरा वहाँ तक एंड तक फट चुका है। यहाँ तक 3-3 जगह से बांध के किसी तरह कवर करके रखा था, और अभी अभी इनकी चादरें उठाई हैं यार। बहुत ज़्यादा कल हवा थी, इस वजह से भाई ने व्लॉग शूट नहीं करा था। आप लोग बोल रहे होंगे कि यार सलीम भाई ने व्लॉग नहीं डाला यार, कभी कभी जो है ना बंदे को अपनी सिचुएशन को देखना पड़ता है यार। यहाँ पे अगर मैं इनको खोलता ना कल, तो कल बहुत ही ज़्यादा हवा थी, तो कोई ना कोई हमारा बर्ड जो है बीमार हो जाता। कल इन्होंने आराम करा, आपके भाई ने भी आराम करा, मेरी भी तबीयत सही थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे के सारे अच्छा फील कर रहे हैं, तो आज हम वीडियो बनाएंगे। ठंड ने जाते जाते जो है ना एकदम कमबैक कर दिया। अभी जल्दी से जो है ना ये वाली दोनों चादरें हटाते हैं, ताकि सेटअप पे धूप आए और सेटअप गर्म हो जाए, और अपने सारे परिंदों को आज बाहर निकाल दें जल्दी से, क्योंकि धूप जो है ना कहीं ऐसा ना हो दोबारा से चली जाए यार। हमें सारी चादरें हटानी है। बच्चे आ गए। हाँ अच्छा तुम हो, ठीक है आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो हमने ब्राउनी और छोटू को जो है पहले यहाँ बांधा हुआ था, आपको याद होगा जब बारिश हो रही थी ना, तो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो पानी से बचाने के लिए हमने इनको यहाँ बांधा। लेकिन कल इतनी हवा चली, फिर हमें हवा से बचाने के लिए इनको यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि ये वाली जगह पे हवा नहीं आती, पानी आता है, और वहाँ पे हवा आती है पानी नहीं आता, तो मतलब ऐसा हिसाब किताब है। और यहाँ पे हमने देखें कितनी मुश्किलों से इसको बंद करा, ये वाला कारपेट हमने लगाया ताकि जो है ना ये भारी होता है ना, गिरेगा नहीं है, वरना ब्राउनी जो है ना हल्के कपड़े सारे फाड़ के खींच के अंदर की तरफ गिरा देती है। और हमारे रैबिट्स भी देखें कैसे झमगुट्टा बना के बैठे हैं, क्योंकि वाकई यार ठंड हो रही है, अच्छी खासी ठंड है। चॉकलेट कॉफी को जो है ना हमने ज़बरदस्ती रैबिट हाउस के अंदर बंद करा था। आ जाओ ये, अरे इधर आओ मैं हेल्प कर दूँ, इधर आओ
ऐसे में हेल्प कर देता हूँ, सबर हेल्प तो कर रहा हूँ। जाओ जाओ आ जाओ कॉफी। अरे आराम से आराम से आराम से आराम से, सबर ही नहीं होता इनसे। ये देखें ये दोनों जो है ना यहाँ रैबिट हाउस के अंदर बनते हैं, और हमारे चॉकलेट का बच्चा भी यहाँ पर है और दूसरी वाली बत्तख का बच्चा भी यहाँ पर है। तो ये दोनों डरते बहुत हैं, बाहर नहीं आ रहे, इनको ऐसे ही रहने देते हैं। बारिश की वजह से जो है ना सेटअप बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया, तो इसकी सफाई हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी इनको खोलना जो है ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनको जो है ना सबसे पहले खोल देते हैं। क्या हो गया? कौन सा? ओए होए 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 होए, ये क्या हो गया यार? ओए ये तो येलो वाला बच्चा है जो यहाँ पे शिफ्ट करा था। अच्छा ये मर गया होगा ना, तो इस वजह से घर वालों ने यहाँ पे निकाल के रख दिया होगा। ये जब मर जाते हैं ना आपस में, फिर ये इसको मारते हैं, जब मर जाता है ना उसको और ज़्यादा मारते हैं। तो ये देखें दोस्तों, ये येलो वाला हमने अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे बच्चे शिफ्ट करे हैं ना, तो इनमें से ये वाला जो है ना ये डेड हो गया, तो घर वालों ने निकाल के रख दिया होगा, तो इस वजह से यहाँ पे रखा। चलो इसको पकड़ो, ऐसा पकड़ो बस, ऐसे ही रखना। देखो अंदर और, ओए एक और मरा हुआ है। ओए ये वाइट वाला भी मर गया यार, ये काफ़ी टाइम से वीक था लेकिन ये भी मर गया। ओए होए होए होए, बड़ा नुकसान हो गया यार, दो दो मर गए। ये भी रेड आइस था, वो भी रेड आइस था, और ये पूरा वाइट, ये पूरा येलो। हाँ ठंड की वजह से सुस्त होकर बैठते हैं ना, फिर ये आपस में लड़ते हैं। हाँ तो ठंड हो रही है ना, सारे अकड़े पड़े हैं, दो बच्चे मर गए यार। इसको इनको पकड़ो, इनको वहाँ पे रख कर आओ, अभी थोड़ी देर में हम जाएंगे ना तो फिर दफना देंगे। अभी दोस्तों मैं थोड़ी देर में नीचे उतरूंगा, तो जहाँ पे जाऊँगा ना वो आपको पता चल जाएगा, और फिर जब उतरेंगे ना इनको दफना कर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ वाला जो गमला है ना अब हमने उसमें कोई चीज़ नहीं दफनानी, क्योंकि हमने उसके अंदर पौधा लगाना है ना। अब इस वजह से उसके अंदर अब हम कोई छोटी मोटी चीज़ भी नहीं दफना सकते, क्योंकि उसके अंदर हमने पौधा लगाना है। तो अभी बत्तखों को खोल देते, क्योंकि यहाँ पे भी हमें एक न्यूज़ मिली है। आओ यहाँ पे देखें, फड्डा चल रहा है कल की तरह, वहाँ पे दो फीमेल बैठ गई हैं, यहाँ पे अभी ये वाइट वाली बैठी हुई है। यार पता नहीं, मुझे इनका समझ नहीं आ रहा, हालांकि कि ये वाली फीमेल अंडे नहीं दे रही, फिर भी पता नहीं इसको अंडों पे बैठने की क्या ज़रूरत है। तुम अंडों पे क्यों बैठ रही हो? ना खुद बैठ रही हो सही से, ना उसको बैठने दे रही हो, दोनों के अंडे खराब हो जाएंगे। उठो यहाँ से, उठो। नहीं नहीं तुमने अंडे दिए, उठो। ये देखें ज़बरदस्ती का बैठी हुई है, ज़बरदस्ती ना बैठो इधर, तुम बैठ जाओ ठीक होके। चलो ठीक होके बैठ जाओ, ठीक होके बैठ जाओ। अरे यार ये लड़ी जा रही है समझ से बाहर है। चलो बैठी रहो, दोनों बैठी हुई हो ना, बैठी रहो, इनको निकाल देता हूँ बाहर। जाओ इधर, इनका भी अंडा आया हुआ एक छोटा सा, तो इसको हम बाहर निकालते हैं। ये यहाँ पे हमारी वाइट वाली बैठी हुई है, ये गुस्सा बहुत ज़्यादा करती है। वो दोनों गुस्सा नहीं करती, लेकिन ये गुस्सा करती है। ये देखना मेरे को दबान कैसे निकालती है, दबान कैसे निकालती है। ये अंडा इसके नीचे रख दें हम, एक अंडा इसके नीचे टिका दे, ये तोड़ देती है, इसके नीचे नहीं रखते, नहीं बल्कि वहाँ पे फड्डा चल रहा है यहीं पर रख देते हैं। ये लो ये अंडा भी ले लो, ये लो ये भी ले लो, इसके नीचे रख देते हैं। चलो ये वाला अभी अंडा इंक्यूबेट करो, तुम बस तोड़े ना, इंक्यूबेट ही करे। आने दो आने दो, इनको आने दो आने दो, वो नहीं आ रहे बाहर, आ जाओ आ जाओ। ओए ओए वहाँ तोते क्यों रखे तुमने? मैंने तुम्हें कहा था कि तोतों को यहाँ पे रख दो इस केस के ऊपर, दीवार के ऊपर काम नहीं करता तुम्हारा दिमाग। वो देखो वो एक और उठा के ले जाएगी, उठा के लेकर आओ यार, वो पंजे मारेगी अब। वो देखें दोस्तों वो तोता ले गई, वो खा रही, वो देखो वो खा रही। पागल आदमी, मैंने बोला था यहाँ पे रख दो, हम जाएंगे तो दफनाएंगे, दीवार पे रखेंगे तो चील छोड़ेंगी, चील तो लेके जाएगी, उनके लिए तो खाना है। नहीं वैसे कोई मसला नहीं है, मर गए ना, कम से कम हमारे काम नहीं आए तो उनकी खुराक है, वो खा सकते हैं। दोस्तों इनका जो है ना खाना बन जाएगा, ये हमारे तो मर गए ना, अब ये इनका खाना बन जाएगा, इनके बच्चे बच्चे होंगे वो खा लेंगे यार। ये सामने वाली बिल्डिंग में इन्होंने नेस्ट बनाया, वही देखो फिर से लेके जाने की कोशिश करें। हाँ वो पकड़ लेंगे, ये गए गया, ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई यार, बड़ी खतरनाक होती है यार। हमारा सुल्तान अच्छा था ना, किसी पर अटैक करता था ना कुछ करता था, सुकून से मस्त होके बैठा रहता था, लेकिन ये वाली तो जो है ना बड़ी खतरनाक है। हाँ नहीं ये छोटी वाली डक्स को निकाल दो, नहीं तो कुड़क वाली डक्स को परेशान करेंगे। अच्छी खासी धूप आ रही है, सारी चादर ने रोक दी है। ये देखें आप, गुड मॉर्निंग हो गया, गुड आफ्टरनून हो गया अब तो। खैर ये देखें सारे के सारे अंदर बैठे हैं, कल कोई भी बेचारा नहीं खुला था, तो सारे के सारे अभी अंदर बैठे हैं। इनको बाहर नहीं निकालना, इनकी चादर बस ऊपर करनी है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट धूप आ रही है अंदर तक।
और यहाँ पे हमारे पिजन के बच्चे माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हैं यार। ये देखें दोस्तों, ये दोनों भी बड़े हो गए, और ये वाला देखें माशाल्लाह, इसका कलर चेक करें आप। इधर आओ ज़रा, ये बिस्मिल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया यार। यार ये किसका बच्चा है यार, इसके तो मैंने माँ बाप भी नहीं देखे, किसका बच्चा है ये माशाल्लाह। दोस्तों कितना प्यारा कलर है, देखें कितना खूबसूरत है यार। इसके माँ बाप कौन है यार, मेरे को इसके माँ बाप देखने। वो ये मेरे को अंदाजा हो रहा है कि ये शायद बाप है, और फीमेल कौन है ये मुझे अंदाजा नहीं हो रहा। जाओ 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 जाओ, फीमेल मुझे जो शक जा रहा ना, फीमेल या तो ये फीमेल हो सकती है, क्योंकि वो बच्चा इसकी तरह है। तो यार हमें नज़र रखनी पड़ेगी कि इनको फीड कौन करा रहा है, बड़ा प्यारा बच्चा निकाला है, तो देखते हैं कौन है। ये लोग हो रहे हैं प्यासे, इनको लग रही है प्यास, भूखे कौवे हुए पड़े। अरे कहाँ है कटोरा, कहाँ गया ये रहा। अयाज जरा पानी लेकर आना, ये देखें, ये देख कटोरे के पीछे पीछे कैसे भाग रहे। पानी लेकर आ जाओ, साफ है, यहीं पर डाल देंगे। ले आए पानी? अरे हाँ दे रहा हूँ पानी, ये लो हटो, पानी लाओ, ये पानी पियेंगे प्यासे हुए मैं। अरे रुक जाओ, ये रहा सबर सबर सबर, इनको दिनों में पानी नहीं, इनको कभी भी पानी नहीं देते क्या आप? हाँ इनको कभी भी पानी नहीं देते क्या आप? पानी सुबह दोपहर शाम 3-4 बार मिलता है, सर्दियां है ना इसलिए। तो ये इतने तरफ पे क्यों है? तो अभी सर्दियों में टाइम से पानी देना पड़ता है ना इनको, सुबह अलग दिया, फिर दोपहर को अलग और शाम को अलग, 3 बार। और आज जो है ना दोस्तों, अभी आपका भाई वीडियो शूट कर रहा है, कल भी करी आज भी करी, तो कल जो गैप आया ना उसको कवर करने के लिए हम आप एक काम कर रहे हैं, आज बहुत लंबा ब्लॉग बनाएंगे। लंबा इसलिए क्योंकि अभी जितना बन गया है ना ये मैं कोशिश करूँगा अपलोड कर दूँ, और अभी हम जाएंगे मार्केट, क्योंकि आज संडे का दिन है ना, आपको याद होगा हमने अपने फिश एक्वेरियम का काम भी छेड़ना, तो उसके हवाले से हम जाएंगे अभी मार्केट। तो मार्केट जाते हैं और देखते हैं क्या हमें काम है वो निपटा कर हम आते हैं, और आज के ब्लॉग को हम यहीं पर रोक देते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा, और हम मार्केट जाके क्या करने वाले हैं वो भी आपको नेक्स्ट में, मतलब नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। तो अभी जो है यही देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो, और नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए कल फिर से हाजिर हो जाना। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।